तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। तो आ गए एक और नए वीडियो लेकर। देख सकते हैं ये वाला फोटो एडिटिंग कितना खतरनाक दिख रहा है, और ये वाला टोन मैं कहाँ से लाया हूँ देख सकते हैं। दो दो प्रीसेट यूज करके मैं ये फोटो एडिटिंग किया हूँ। आप लोगों को बता रहा हूँ कैसे दो दो प्रीसेट यूज करके फ़ोटो को एडिट किया जाता है। तो इस वीडियो में इसी को मैं बताने वाला हूँ और बढ़िया से फुल HD करके दिखाने वाला। देख सकते हैं आई क्लियरिटी और हर एक चीज़ देख लीजिए, बिफोर एंड आफ्टर। बहुत ही खतरनाक फोटो एडिटिंग हुआ है फ्रेंड्स। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो मैं रोज़ लाता रहता हूँ और आप लोग रोज़ एडिटिंग कर पाएंगे। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मेरे प्यारे भाई, देख सकते हैं ये वाला फ़ोटो ओरिजिनल फ़ोटो है मेरा। तो इसको सबसे पहले मैं शेयर कर देता हूँ स्नैपशीट के अंदर। तो यहाँ से इसको स्नैपशीट में ले चलते हैं। एक एक स्टेप फॉलो कीजिएगा और वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं ये फ़ोटो है। आप टूल्स वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, सिलेक्टी को सिलेक्ट करके फेस पर ले जाकर छोड़ देंगे और इसको थोड़ा सा ब्राइटनेस देंगे, क्योंकि ब्लैक ज़्यादा आ चुका है। तो इस टाइप से करेंगे जहाँ ब्लैक है, और फिर क्या करेंगे, फिर टूल्स वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। ये ड्रामा का ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, इसको क्लिक करके पूरा माइनस करेंगे और ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे, सैचुरेशन का ऑप्शन आ जाएगा। अब इसको फुल कर देंगे। फुल करने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा माइनस करते हैं और इसको जो फिल्टर जो फर्स्ट में है इसको थोड़ा सा माइनस कर देंगे, थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा देंगे। इतना होने के बाद फिर से आप जहाँ जहाँ ब्लैक है उस टाइप से कर देना है, ब्राइटनेस थोड़ा सा देना है फ्रेंड्स, और कुछ नहीं। तो जहाँ जहाँ ब्लैक होगा वहाँ वहाँ ब्राइटनेस दे दीजिएगा अच्छे से। एडिटिंग के थ्रू कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नहीं तो इंस्टाग्राम में अपना नंबर दिया हूँ, मुझे कॉल ज़रूर कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है तो मेरे पास कॉल ज़रूर करके पूछ लीजिएगा। देख सकते हैं इस टाइप से कर रहा हूँ, ब्लैक ब्लैक जहाँ दिख रहा है वहाँ वहाँ पे सेलेक्टिव को सिलेक्ट करके और उसको फर्स्ट वाले ऑप्शन को बढ़ा दे रहा हूँ, मतलब ब्राइटनेस दे रहा हूँ फ्रेंड्स। तो इतना होने के बाद देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर कितना चेंजेस आया, बिफोर एंड आफ्टर। इतना होने के बाद क्या करेंगे, इसको शेयर कर देंगे सीधा लाइटरूम के अंदर। ये लाइटरूम के अंदर जा रहा है फ्रेंड्स। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो इसको लाइटरूम के अंदर शेयर कर देते हैं। तो ये हमारा फ़ोटो लाइटरूम के अंदर ऐड हो रहा है। तो देख सकते हैं ये हमारा फ़ोटो लाइटरूम के अंदर ऐड हो चुका है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, मैं दो प्रीसेट बना के रखा हूँ, ये वन ये सेकंड प्रीसेट है और ये फर्स्ट प्रीसेट है। तो दोनों के यूज करके मैं इस पिक को एडिट किया हूँ, बहुत खतरनाक लगेगा दोनों को यूज करेंगे तो। मैं कैसे यूज करना, वीडियो को बने रहिए तभी वो वाला कलर टोन ला पाएंगे। तो ये फर्स्ट जो ये फर्स्ट है इसमें मैं लिख दूंगा फर्स्ट कौन है सेकंड कौन है। ये फर्स्ट वाला प्रीसेट है, इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। कॉपी करने के बाद इसको सेलेक्ट करके अपने रियल फ़ोटो के ऊपर आएंगे और इस पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा फ्रेंड्स, देख लीजिए पेस्ट करने के बाद कैसा लुक आया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा फेस है इसको स्मूथ करेंगे। तो स्मूथ करने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट नंबर में यहाँ पे देख सकते हैं मास्किंग का ऑप्शन दिया है गाइस। मास्किंग को क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्लस वाला आइकन को क्लिक करके यहाँ पे ब्रश का जो ऑप्शन दिख रहा है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स और फॉलो कीजिए बिल्कुल आराम से। मैं बिल्कुल आराम से देख रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ आप लोगों को। तो वीडियो थोड़ा लंबा है तो इसके लिए स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसको देखने के बाद आप लोग खतरनाक एडिटिंग कर पाएंगे। तो अब देख लीजिए मैं जहाँ जहाँ स्किन है उसी स्किन के ऊपर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। कितने लोगों के फ़ोन में लाइटरूम ओपन नहीं होता है, तो जिसके जिसके में ओपन नहीं होता है कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो ला दूँगा कि ये वाला लाइटरूम कहाँ पे मिलेगा कैसे मिलेगा। बहुत लोगों के पास नहीं होगा ऐसा लाइटरूम, शायद किसी के पास नहीं होगा, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो मैं ला दूँगा उसका वीडियो कि उसे कैसे डाउनलोड करेंगे, मैं आसानी से बता दूंगा।
तो देख लीजिए जहाँ जहाँ मेरा स्किन दिख रहा है वहाँ मैं इसे ब्रश कर रहा हूँ। इसी टाइप से आप लोग भी कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से कीजिएगा, बस स्किन के ऊपर ही करना है। तो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसे जल्दी से मैं कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं जहाँ जहाँ मेरा स्किन है वहाँ वहाँ मैं ये ब्रश कर चुका हूँ रेड वाला। अब क्या मास्किंग चला चुका हूँ, अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, नीचे की तरफ देख सकते हैं इफेक्ट का ऑप्शन है, जो नीचे की तरफ इफेक्ट है, ये मास्किंग चलाने के बाद ही इफेक्ट को यूज कीजिएगा। इफेक्ट पे आएंगे और टेक्सचर को पूरा माइनस कर देंगे और ये क्लियरिटी है इसको भी माइनस कर देंगे। और यहाँ पर डैज है, इससे वाइट होता है फेस, तो इसको थोड़ा सा माइनस करते हैं, इससे जितना वाइट करना है मुझे। इतना करने के बाद अब मैं फेस के ऊपर कलर टोन लाऊंगा। कलर टोन लाने कलर के ऊपर जाएंगे फ्रेंड्स, और यहाँ पे कलर है, इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे कौन सा कलर मुझे चाहिए फेस के ऊपर। तो मैं कर दिया, यही वाला मुझे चाहिए, हल्का सा रेड है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, लाइटरूम में इतना ज़्यादा वर्क हो चुका है बिफोर एंड आफ्टर, काफ़ी ज़्यादा। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद क्या करेंगे, फिर से मास्किंग वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद फिर से एक और ब्रश को यूज करेंगे और लिप्स के ऊपर चला देंगे इस टाइप से। चलाने के बाद मैं आप क्या बोलते हैं इसको रेड की तरफ उठा देंगे कलर में जाके। तो रेड होने के बाद क्या करेंगे, थोड़ा सिचुएशन और बढ़ा देंगे और सेव कर देंगे। तो देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आया फ्रेंड्स। और ये प्रीसेट कैसे मिलेगा मैं आप लोगों को वीडियो में ही बताऊंगा, ऐसे मैं लिंक नहीं दूंगा, लिंक दूंगा लेकिन बताऊंगा कौन सा रियल लिंक है, उस लिंक को क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो वीडियो को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वीडियो को पूरा फुल वॉचिंग करना पड़ेगा, तभी आप जान पाएंगे कौन सा लिंक है। तो इतना होने के बाद क्या करेंगे, फिर से कलर के अंदर आएंगे और ये ग्रीन वाला है इसको थोड़ा सा माइनस करेंगे, बस ग्रीन वाले को माइनस करेंगे और येलो को भी थोड़ा सा करते हैं, हल्का सा करेंगे येलो को भी। इतना होने के बाद क्या करेंगे, इसको आप शेयर कर देंगे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो इसको पिक्सआर्ट के अंदर ले चलते हैं क्योंकि कुछ पीएनजी वगैरह वहाँ पे ऐड करना है। तो पिक्सआर्ट में आ चुके हैं, अब नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे फ्रेंड्स। स्लाइड करने के बाद यहाँ पे ब्रशेज का जो ऑप्शन दिया है, ब्रशेज को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मतलब भगाते जाएंगे। बहुत सारा ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स, किसी को भी यूज कर सकते हैं, तो मैं बता रहा हूँ मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ। तो स्लाइड करते आएंगे यहाँ पे जो पत्ता वाला लीव्स वाला जो यहाँ पे दिख रहा है, इसको सेलेक्ट करके और साइज को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और यहाँ पे इसे जगह जगह गिरा देंगे फ्रेंड्स, जगह जगह टैप कर देंगे और फिर इरेजर वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, जो जो हमें पत्ता चाहिए उसी को हम सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसे इरेज कर दे रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कोई कोई। फिर क्या करेंगे, मैं दूसरा पत्ता यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ, तो इसको भी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो ये जो ऑप्शन आ चुका है इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इससे अच्छा नहीं आ रहा है लग रहा है। तो इतना होने के बाद इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद फिर से फर्स्ट में आएंगे रिटच का ऑप्शन है, उसे क्लिक करके और आई कलर है, आई कलर आँखों में लेंस लगाना है हमें, तो इसको अच्छे से सेलेक्ट कर देंगे फ्रेंड्स। सेलेक्ट करने के बाद इसे इरेज कर देंगे, जो बाकी का पार्ट है ऊपर की तरफ उसे इरेज कर देंगे। आराम से कर दीजिएगा अपने आँख में एडजस्ट करके आई लेंस को। तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं और ऊपर की तरफ एडजस्ट कर देंगे, अच्छे से कर दीजिएगा। इतना होने के बाद क्या करेंगे, इसको सेव करके और मैं कौन सा कलर यूज कर रहा हूँ आई में देख लीजिए। इसको थोड़ा सा छोटा और करता हूँ जिससे अच्छा लगेगा। ये एडजस्ट हो चुका है, अब इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद क्या कर, एक चीज़ और छूट रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं हेयर मेरा थोड़ा सा नीचे साइड में,
यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे लग रहा है, तो इससे अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे टूल्स वाला ऑप्शन को क्लिक करेंगे, स्ट्रेच है यहाँ पे, स्ट्रेच वाला ऑप्शन है जो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इसको क्लिक करेंगे और इसको टैप करके थोड़ा सा साइज बढ़ा देंगे और इसको जूम करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींच देंगे जिससे अच्छा लगेगा हमारा पिक। और यहाँ पीछे की तरफ भी थोड़ा सा उठा दे रहा हूँ फ्रेंड्स, जहाँ जहाँ उठाना होगा इससे अच्छा आसानी से आप लोग उस मतलब हेयर को ऊपर की तरफ उठा सकते हैं जिससे ख़तरनाक लगेगा। इसको सेव कर देंगे, आप लोगों को बिफ़ोर और आफ्टर दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, बिफ़ोर एंड आफ्टर कितना ख़तरनाक लग रहा है। अब इसको शेयर कर देंगे फिर से लाइटरूम के अंदर, क्योंकि हमें दूसरा प्रीसेट यूज करना है। तो ड्रॉ टूल के अंदर आएंगे और इससे यहाँ पे सेव करके, और यहाँ पे मोर का ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है, सॉरी यहाँ पे मोर का जो ऑप्शन दिख रहा है इसको क्लिक करके यहीं से शेयर कर देंगे फ्रेंड्स लाइटरूम के अंदर। तो यहाँ से लाइटरूम के अंदर शेयर कर चुका हूँ फ्रेंड्स, तो लाइटरूम को ओपन करेंगे यहाँ पे। तो अब देख सकते हैं ये हमारा पिक ओपन हो चुका है लाइटरूम के अंदर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा फर्स्ट वाला जो PNG मतलब सॉरी प्रीसेट है इसको कॉपी करेंगे यहाँ से। कॉपी करने के बाद क्या करेंगे, जो पिक्सआर्ट से पिक निकाले हैं एडिट करने के बाद उसके ऊपर आके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद लुक देखिएगा फ्रेंड्स, देख सकते हैं किस टाइप से लग रहा है, कितना हार्ड लुक टोन आ चुका है फेस और बैकग्राउंड के ऊपर, कितना हार्ड लग रहा है। अब क्या करेंगे, फेस के ऊपर थोड़ा सा मतलब ज़्यादा लाइट हो चुका है तो इसको माइनस करेंगे, इतना होने के बाद थोड़ा सा येलो टोन देंगे। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इतना होने के बाद देख सकते हैं कितना खतरनाक दिख रहा है फोटो। तो दोस्तों इन दोनों प्रीसेट का लिंक डिस्क्रिप्शन को खोलिएगा, सबसे लास्ट में जो जाइएगा और एक लिंक मिलेगा डाउनलोड स्टॉक का, उसको क्लिक करके और आसानी से दोनों प्रीसेट को डाउनलोड कर सकते हैं। कितना खतरनाक लग रहा है डबल प्रीसेट फोटो एडिट, तो कितना खतरनाक लग रहा है, कितना मतलब डेंजरस लुक आया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप देख सकते हैं कितना मेहनत लग रहा है एक एक वीडियो बनाने में। तो चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, आपका कुछ नहीं लग रहा है, प्लीज़ गाइस चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।